झुको जग्गू, सब नीचे झुको। बनाना लैंड में आपका स्वागत है मंकी किंग। आपको ही मंकी किंग बुला रहे हैं, जग्गू द मंकी किंग। ये सब हमें पवित्र गोले ने बताया है। पर ये पवित्र गोला क्या है? पवित्र गोला एक पवित्र चीज है। हर साल पवित्र गोला पवित्र रात में महान मंकी किंग की आत्मा के लिए एक पवित्र शरीर को चुनता है, और इस बार उसने आपको चुना है मंकी किंग। देखता हूँ ये जग्गू किंग कैसे बनता है। अगर कोई किंग बनने का हकदार है तो वो हूँ मैं। ये रहे महान मंकी किंग, मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक रात एक अनहोनी की वजह से मंकी किंग दुनिया से चले गए। बस उस रात के बाद बनाना लैंड का कोई किंग नहीं। तो हर साल ये पवित्र गोला एक बंदर चुनता है, जिसमें मंकी किंग की आत्मा आकर हमारा मार्गदर्शन करती है। मुझे लगता है जग्गू को इनकी मदद करनी चाहिए। ओ, बिल्कुल भीम, बिल्कुल। आखिरकार किंग बनने का मौका कौन छोड़ सकता है? तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा जग्गू। इतनी जल्दी भी क्या है बिग बॉस? शुक्रिया मंकी किंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और चिंचोंग, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं बनाना लैंड की रक्षा तुम्हारे काबिल कंधों पर रखना चाहूँगा। चले दोस्तों, मुझे ढोलकपुर की बुआ के यहाँ जाएंगे। ये राजा बनना अच्छा है, पर मेरे लिए नहीं। अचानक पड़ी इस ठंड ने तो दिल ही खुश कर दिया। हाँ चुटकी, तालाब के ठंडे पानी में डुबकी लगा के और मजा आ जाएगा। हुरा तालाब, आओ दोस्तों दौड़ लगाएं। जो हारा वो होगा ढोलकपुर का सबसे बड़ा जोकर।
मौसम का बदलना और ढोलकपुर में तालाब का पानी जम जाना बड़ी अजीब बात है। उस्ताद, आपके बाल सफेद हो गए। हाँ, ये तो बर्फ है। ढोलकपुर में बर्फ गिर रही है। ढोलकपुर में बर्फ? किसने सोचा था? वाह, गर्मी में बर्फ, मजा आ गया। कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। अब स्कीइंग टाइम। क्यों दोस्तों, मेरा पीछा नहीं करोगे? क्या कर रहे हो ढोले बोलू? उस्ताद, बर्फ की चादर उड़ा ले आपको। अब वो सब छोड़ो, मुझे एक अच्छा सपना आया। मैं एक बड़े से बर्फ के महल में बर्फ के सिंहासन पर बैठा था। बर्फ का राजा था मैं। मेरे लिए जल्दी से बर्फ का सिंहासन और महल बनाना शुरू करो ढोलू भोलू। गर्मी हो तो हवा करो, ठंडी हो तो महल बनाओ। हमारे लिए आराम का मौसम कब आएगा? ये हुई ना बात। अपने बर्फ के राजा को सलाम करो। बर्फ के राजा, आप हमें सलाम क्यों कर रहे हो? चुप हो जाओ तुम दोनों, ये कैसा कमजोर सिंहासन बनाया है? उस्ताद, हम क्या करें? बर्फ बहुत कम है तो सिंहासन पतला बन गया। बर्फ कम है, ये नहीं चलेगा। महल बनाने के लिए ढेर सारी बर्फ चाहिए और मुझे पता है वो कैसे मिलेगी। हम सबको स्वेटर पहन लेना चाहिए वरना बीमार पड़ जाएंगे। सही कहा चुटकी, चलो दोस्तों। वो देखो दोस्तों, आज सूरज नीला और छोटा लग रहा है। और देखो, एक छोटी सी किरण निकलकर जंगल की दिशा में चमक रही है। यही है गड़बड़। चलो देखते हैं ये किरण जंगल की ओर क्यों चमक रही है। बाबा से मदद लेनी होगी। मैं जानता था कि ये मामूली सर्दी बिल्कुल नहीं है। सूर्या त्रिशूल से लड़ने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है, बर्फ गदा। इसमें बसी है बर्फ की शक्तियाँ, पर वो बर्फ गदा तुम्हें मिलेगी सिर्फ उस ऊंची पहाड़ की चोटी पर।
यही होगी वो बर्फ गदा जिसके बारे में धूनी बाबा ने बताया था। वापस सूरज के पास जा रही है। क्या? ये परमिट वापस आ गई। जल्दी से दोस्तों तक खुशखबरी। जरा नीचे आके हमें भी तो बताओ कि क्या कमाल हुआ है। राजा इंद्र वर्मा जंग जीत कर लौट रहे हैं। जंग जीत। ये। राजा इंद्र वर्मा जंग जीत गए। क्या खुशखबरी लाए हो जग्गू? पर भीम, हमने तो राजा जी और उनके फौज के स्वागत के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की है। कोई बात नहीं दोस्तों, अभी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए तो लाल कारपेट बिछानी होगी, लाइटें सजानी होंगी और पूरी फौज के लिए दावत की तैयारी करनी होगी। दावत का खाना मैं फटाफट तैयार कर लूँगी, पर कालिया, राजा जी के आने तक तुम उसमें से कुछ नहीं खाओगे। मौसी, खेत से चुनचुन पर सबसे ताजे गाजर ले आया हूँ, जैसे आपको चाहिए थे। शुक्रिया बच्चों, इसका हलवा एकदम स्वादिष्ट बनेगा। प्रवेश सोने की बारिश होगी तेज। ये तो असली स्वर्ण मुद्रा है, ये कोई जादुई खेल है। दोस्तों, इस जादुई खेल को खेलना खतरनाक हो सकता है। नहीं भीम, हमें और खेलना चाहिए। पता नहीं इस खेल में आगे और कौन कौन से इनाम छुपे हो। ठीक है राजू। समाप्त करो उसे उसके डिब्बे में डालकर। वो डिब्बा जिसमें है
चांदी के पर। कौन सा डिब्बा? कहाँ है ये डिब्बा? जरूर वो डिब्बा वहीं जमीन में होगा जहाँ पर हमें ये खेल मिला था। शायद जमीन को थोड़ा और खोदने पर हमें वो डिब्बा मिल जाए। शरारती दानवों को जगाया है तुमने। बहुत अफसोस होगा तुम्हें उनसे मिलके। क्यों भाग रहे हो? अगर इस खेल में भागना है तो मुझे नहीं खेलना। सुकून के साथ रहते हैं। शायद वो चील से घुमाने ले गई हो। सुना है इस जंगल में भेड़िया मानव रहता है। चिंता मत करो दोस्तों, ये कोई भेड़िया मानव नहीं, साधारण भेड़िया होंगे। और जंगल में भेड़ियों की आवाज आना बहुत आम बात है। हाँ, पर किसी को भी अपने घर में बिन बुलाए मेहमान पसंद नहीं है। डरो नहीं, डरो नहीं, भीम साहब संभाल लेगा। अरे ये कैसी आवाज है? मैं अभी देख के आता हूँ। राजू जग्गू हाँ? चलो मेरे साथ। चंदन की लकड़ियों को बेच के मैं अमीर बन जाऊंगा, बहुत अमीर। मेरे होते हुए मुमकिन नहीं होगा डाकू मंगल सिंह। पेड़ों को काटना बहुत गलत बात है। बहुत भूख लगी है। चलो राजू कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते भीम। करने आया हूँ। डाकू से दोस्ती? मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी? अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो। करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया पर मैं करूँगा क्या? हा? हा?
भागो तुम दोनों, भीम पीछे ही होगा, भागो। सरदार मंगल सिंह, चुराया हुआ खजाना लौटा दो वरना। ये तुम दोनों ने क्या कर दिया, मेरी तपस्या भंग कर दी। हमें माफ कर दीजिए बाबा, हमसे गलती हो गई। तुम दोनों को माफी नहीं मिलेगी बल्कि श्राप मिलेगा। क्या हो रहा है? ये तुम दोनों को जोड़ के रखेगी, ये तभी खुलेगी जब तुम दोनों कम से कम एक मिनट के लिए दोस्त बन जाओगे। एक मिनट की दोस्ती, वो भी डाकू मंगल सिंह के साथ? गलती तुम्हारी थी, और मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी मामूली डाकू के साथ जुड़े रहने का। तुम्हारी ये मजाल। झगड़ा बंद करो तुम दोनों, और ये सोचो कि दोस्त कैसे बनोगे। मुझे तो सिर्फ चोरी समझ में आती है। अरे कोई तो डाकुओं से बचाओ हमें। आज तो मजा आ गया है, चलो वक्त आ गया है इन दोनों को अपनी ताकत दिखाने का। तुम्हारी बारी भाई, दिखा दो तुम्हारी बोलने का कमाल। अरे ये तो फिर से आ रहे हैं, तोप चलाओ भाई। तोप नहीं चल सकती, सब्जियां और फल सब खत्म हो गए हैं। तुम लोग एक मिनट के लिए दोस्त बन ही गए हाँ? मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ, मगर तुम दोनों की जोड़ी मुझे अच्छी लगी। क्या तुम दोनों एक हफ्ते के लिए दोस्त बनना चाहोगे? क्या एक हफ्ता? वो भी इसके साथ? नहीं। शुक्रिया भीम। मैंने तुम्हें पेड़ काटने से मना किया था ना? मैं तो बस यही देख रहा था कि ये मशीन काम करती है या नहीं। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि मेरा गुस्सा काम करता है या नहीं। जैसा हमने सुना था, इस भेड़िये को शक्ति चांद की रोशनी से मिलती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम चांद को ढक सकें।
भीम, मैं पूरे जंगल के पेड़ काट डालूंगा। इस मशीन की तबीयत खराब लग रही है। अब नया फर्श कैसे बनेगा? लड्डू खाओ, दोस्ती बढ़ाओ।